हेलो फ्रेंड्स, सो एनालिस्ट प्रभात टॉक सीरीज में आपका स्वागत है। और यह है 8वां दिन, और इससे पहले कुछ दिनों के लिए हमने एक ब्रेक ले लिया था, तो उस बीच में हमने एक भी वीडियो जारी नहीं किया। और आज से फिर से सिलसिला चालू हो चुका है, और अगले 7 दिन तक 7 वीडियोस और आप लगातार देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह है एक मीथ के बारे में, एक ऐसी बात जो कि झूठी है और हम लोग नहीं जानते हैं और सभी लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो क्या कह देते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है सो उसमें इन्वेस्ट करना एक जुआ खेलने के बराबर है। तो भाई, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जुआ नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आप सोच समझ करके इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली पैसे बढ़ने के चांसेस आपके फिक्स डिपॉजिट से जितने भी बढ़ने के चांसेस है उससे ज़्यादा ही है। और अगर आप लॉन्ग टर्म्स के बारे में सोच रहे हैं, 1 साल 2 साल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, 20 साल के बारे में सोच रहे हैं, 10 साल के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका फायदा बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू आप किसी भी बैंक अकाउंट में अगर रख लें। लेकिन यह भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सत्य ही हो सकता है कि कोई इतनी बड़ी क्राइसिस आ जाए बाद में जा करके, जिसके चलते हमारा फंड जो है सो पूरे 9 साल पूरा बढ़ा और 10वां साल जाकर के गिर गया। तो ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 10 साल के बाद भी हो सकता है कि कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी 20 साल 30 साल के अगर हॉरिजन में आप देखते हैं तो आपको ये एक फायदा होगा कि आप स्टॉक मार्केट में अच्छे फंड्स में पैसा लगा करके आप बेफिक्र होकर के रह सकते हैं, और आपका पैसा एक कोई भी पैसिव मैनेजमेंट में बढ़ते रहेगा। और वह कभी भी एक बैंक जो इंटरेस्ट देती है जिसमें आप फिक्स डिपॉजिट में लेके चलते हैं उससे ज़्यादा होने की संभावना बनी रहती है। तो थोड़ा उसी को स्पष्ट करते हुए मैं बोल देता हूँ कि जो दिनचर्या जो है हमारी, जिसमें लोग ट्रेड करते हैं या फिर छोटे टर्म के लिए जैसे कि 3 महीने 6 महीने और 1 साल के लिए भी पोजिशनल ट्रेडिंग करके भी पैसा कमाते हैं, तो वो भी एक तरह से जुआ नहीं है। चाहे ट्रेडिंग हो या कुछ भी हो, वो एक हुनर है। जिसके पास वो ट्रेडिंग का हुनर है, जिसके पास पोजिशनल ट्रेडिंग का हुनर है, जिसके पास शॉर्ट टर्म में पैसा निकालने का आता है, जिसने ये विधि सीख ली है, वो लोग डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमा सकते हैं। तो इसको जुआ नहीं कहेंगे इसको, लेकिन यही कहेंगे कि ये आपकी एक स्किल्स है, और इसी स्किल्स के कारण लाखों लोग जो है सो इस स्टॉक मार्केट में हर दिन पैसा लगाते हैं और निकालते हैं। लेकिन उन लाखों लोगों में से 80% लोग जो होते हैं सो बेवकूफ़ होते हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और इस कारण से जो डेली लगाते हैं और निकालते हैं उसमें से उनका नुकसान हो जाता है। तो जो 20% हैं वो फायदा उठाते हैं, और बाकी 80% और प्लस ब्रोकर्स लोग जो बीच में बैठे होते हैं वो लोग पूरी पूरी फायदा उठाते हैं। तो यही गेम है पूरा स्टॉक मार्केट का, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। बस इतना ही बताना था कि आप उन बेवकूफ़ लोगों में से मत बने जो स्टॉक मार्केट में पल भर के लिए पैसा लगाते हैं और सब कुछ गंवा करके ब्रोकर्स को दे करके चले आते हैं। आप एक इन्वेस्टमेंट करें और उस पर बने रहें, डटे रहें, और लंबे टर्म के लिए खेलें। और लंबे टर्म के लिए अगर आप खेलेंगे और सोच समझ करके रेशियो एनालिसिस को अच्छी तरह से करके, पी वैल्यूएशन देख करके, PEG अर्निंग्स पर शेयर, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से देख करके, कंपनी का मैनेजरियल पोजीशन कौन उसको मैनेज कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है, उसके अंतराल में किस प्रकार से कंपनी ने डेवलपमेंट किया, इतना सब कुछ सोच करके किसी एक दो करके कम से कम 8-10 कंपनी को शॉर्टलिस्ट करें, उस पर अगर इन्वेस्टमेंट करें तो यह कभी भी जुआ नहीं होगा और आपको एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देगा। धन्यवाद।